कोरोना संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेट किए गए मरीजों के समुचित इलाज के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित रैपिड रिस्पांस टीम की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने होम आइसोलेट मरीजों की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी हासिल की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने रैपिड रिस्पांस टीम को निर्देश किए कि होम आइसोलेट किए गए कोरोना संक्रमितों की स्थिति के संबंध में जानकारी लेते रहें और गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल में शिफ्ट कराएं, जिससे समय रहते उनका उपचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि जहाँ तक संभव हो सके आइसोलेट किए गए मरीजों का घरों में ही इलाज किया जाए, जिससे उन्हें लेवल 3 के अस्पताल में पहुँचने की स्थिति ना आनी पड़े। नहीं, उनको फोन पे बता देना ना कि हम आरआर के टीम से हैं, सरकार ने हमें भेजा है, ये प्रश्न है। आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि हम घर नहीं आए। होम आइसोलेशन अंडरटेकिंग भी ले लिया सबसे, ध्यान रखिए। कल कितने पॉजिटिव आए थे? कोई पॉजिटिव नहीं आया। बाकी सबसे मिल चुके हो? सबको अर्बन वैक्सीन के लिए बोल दिया, सारा डिटेल पूछ लिया। बताइए कितने कल कितने पॉजिटिव थे? से मिल गया आज? अच्छा, सारा डिटेल बताया उनको, उनके फैमिली को, सबके पास अर्बन वैक्सीन दी, दवाई मिली है सबको, सब खा रहे हैं? वेरी गुड। कितने दिन इसको नहीं मिली थी? क्यों नहीं? जो एमआईसी के पास जाइए, उसे पूछिए कि आपने क्यों नहीं दिया। और अगर आपको लग रहा है कि एमआईसी बदमाशी कर रहा है, मुझे दिखाइए। बताइए, हम पूरा आपके पीछे पड़ जाएंगे, अभी पड़े भी हुए हैं। हमें ये जंग जीतनी है, सीधी सी बात है। पेशेंट L2 में नहीं जाना चाहिए अगर घर में ठीक हो सकता है। L3 में नहीं भेजना है, यहीं पे ठीक करना, वो बहुत क्रिटिकल स्टेज है। रामपुर में सर जो है कल 21 28 पॉजिटिव थे सर, जिसमें कल 21 मैंने किया था, 7 मैडम ने किया। और आज जो है सर, आज हम लोगों ने जो है 11 घर विजिट किया है, मैडम ने 13 अगर मैडम ने विजिट किया सर। ये बात बोली है उनसे तो वो कहे कि मैं अपने डॉक्टर से जो कंसल्ट में हूँ, एक हफ्ता पहले मुझको हल्का सा ठीक है, और सीएमओ साहब को नोट करा दीजिए। ठीक, ये मैंने सर नोट करा दिया है सर। हाँ सर, कल जैसे आपने बताया था सर कि 5 से 6 दिन जिसका फीवर आ जाए और होम एडमिट हो तो उसको घर पे नहीं रखो। तो कल मैंने उसको फोन किया तो वो पेशेंट एक भी हो गया था, एडमिट भी थे उनके पॉजिटिव, तो उन्होंने कहा कि सर मैं अकेले मैडम को नहीं भेजूंगा। तो मैंने कहा सर आप भी पॉजिटिव, आप भी साथ में चले जाइए। और अचानक मान लीजिए पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल कभी सर 94-93 हो रहा, तो हमने कहा सर एडमिट हो जाए बेहतर है। तो वो एडमिट होने के तैयार हो गए, वहाँ से मुख्यालय को फोन भी हुआ मैडम के जरिए। तो फिर वहाँ से हुआ कि एम्बुलेंस अभी थोड़ा सा बिजी है सर। बिल्कुल सर, ये अच्छा रिस्क मत लो, ऐसे पेशेंट को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। वो ब्लड चेक करेगा, आप हॉस्पिटलाइज करिए। बोला उनको कि एडमिट कर।